हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं टॉप 5 कार्स के बीच में हुई ड्रैग रेस को। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, सभी ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, सबसे पहली ड्रैग रेस महिंद्रा स्कॉर्पियो और ह्युंडई क्रेटा की है। महिंद्रा स्कॉर्पियो 2.2 लीटर डीजल इंजन के साथ और ह्युंडई क्रेटा 1.5 लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ आती है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यू हुंडई क्रेटा स्कॉर्पियो को आसानी से पीछे छोड़ देती है। दोस्तों, अभी हम देखने वाले हैं मोस्ट रिक्वेस्टेड ड्रैग रेस बिटवीन न्यू टाटा सफारी एंड हुंडई अल्कजार की। दोस्तों, न्यू टाटा सफारी में हमें 2 लीटर का डीजल इंजन और हुंडई अल्कजार में 2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है। ओ भाई, 15 पिकअप है भाई इसका। तो भाई दूसरे गियर में हरा दी इसने तो। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि टाटा सफारी अल्कजार से भारी होने के बावजूद अल्कजार को पीछे छोड़कर सफारी ये रेस जीत जाती है। दोस्तों, थर्ड वीडियो है फोर्ड एस्पायर और टाटा नेक्सोन के बीच में हुई ड्रैग रेस की। दोस्तों, इन दोनों गाड़ियों के बीच में हुई रेस का रिजल्ट शॉकिंग होने वाला है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कौन किसको मात देकर आगे निकलता है। दोस्तों, यहां पर फर्स्ट राउंड में फोर्ड एस्पायर क्लियर विनर बनती है और दूसरे राउंड में भी नेक्सोन को एक मौका देते हुए थोड़ा सा आगे खड़ा किया जाता है, लेकिन फिर भी फोर्ड एस्पायर रोड चीरती हुई आगे निकल जाती है। दोस्तों, ये वाली ड्रैग रेस मारुति विटारा ब्रेजा और फोर्ड इकोस्पोर्ट के बीच की है। दोस्तों, यहाँ पर विटारा ब्रेजा को लाइट वेट होने का बेनिफिट मिलता है और ये रेस जीत जाती है। दोस्तों, नेक्स्ट ड्रैग रेस ओल्ड क्रेटा वर्सेस मारुति विटारा ब्रेजा की है और यहाँ पर भी मारुति ब्रेजा आगे निकल जाती है।